हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक नए पल के साथ एक नए आविष्कार की खोज होती रहती है, और क्यों ना हो, अपना देश है ही ऐसा अलबेला और अनोखा, जहाँ पे आपको हर एक दूसरे चौराहे पे एक करामती और धुरंधर आदमी मिल ही जाएगा जो आपको कुछ नया करते हुए दिखाई देगा। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही एक शख्सियत की जिसने अपनी अनोखी खोज से बनाई एक कार जो चलती है पानी से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, ये कार चलती है पानी से। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फिलहाल मार्केट में रोज बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की प्राइस और उसके साथ ही उनकी वजह से गाड़ियों में से निकलने वाला काला धुआं जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन के लेवल को और भी बढ़ा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का कहना है कि दुनिया में सालाना 7 मिलियन मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी है। इस प्रकार ये दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क है, और उनके अनुसार ही पूरी विश्व में जो सबसे प्रदूषित 20 सिटी में से 13 सिटी तो अपने इंडिया में ही है। तो बताइए, लग गया ना झटका? लेकिन यह बिल्कुल सच है। अपने देश में भारत स्टेज 4 को लागू किया है, जबकि एनवायरमेंटल लिस्ट भारत स्टेज 6 के मानदंडों को तत्काल लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो पहले से ही कई विकसित देशों में लागू हो चुके हैं। पूरे विश्व के साइंटिस्ट इस पेट्रोल डीजल के बदले एक नए फ्यूल का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और इसी कारण हम जान पाए वैकल्पिक ईंधन जैसे CNG, इथेनॉल, LPG और नई तकनीक जैसे हाइड्रोजन फ्यूल से और इलेक्ट्रिक कार, जो बाजारों में अपनी जगह बना रही है, और फिलहाल बाजार में इन्हीं गाड़ियों का बोलबाला है। और सभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने कारों का प्रोडक्शन इसी बुनियाद के ऊपर कर रही है। एक तरफ इस वैकल्पिक ईंधन की प्राइस मार्केट में मौजूद पेट्रोल डीजल के प्राइस से बहुत ही कम है, तो इसकी वजह से मार्केट में इन ईंधन के ऊपर चलने वाली गाड़ियों का कुछ ज्यादा ही डिमांड बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ इस ईंधन के वजह से हुए खतरनाक हादसों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ईंधन हाईली फ्लेमेबल और हाईली रिएक्टिव होने के कारण बहुत ही सुरक्षित तरीके से उसे यूज करना पड़ता है, और इसीलिए साइंटिस्ट ने और खोज करके इलेक्ट्रिक कार का आविष्कार किया है। यह नई टेक्नोलॉजी हम में से अधिकांश के लिए सस्ती नहीं है, पर बहुत सारी जगह पर यह फायदेमंद साबित होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस कार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें लगे बैटरी को चार्ज करने के लिए लग रहा 8 से 10 घंटों का समय, और इसके बावजूद आपको आपके घर के बाहर अलग सा चार्जिंग पॉइंट भी लगाना पड़ सकता है। और इसी चीज का हल ढूंढते हमारे इधर के सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले 44 वर्षीय भारतीय मोटर मैकेनिक मोहम्मद रईस महमूद मकरानी जी ने एक ऐसी कार की कल्पना की जो एक सस्ते ईंधन से चले और कम से कम प्रदूषण करे, जिसके तहत उन्होंने बनाई है वाटर कार। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के रईस जी 35 सालों से अपने फैमिली के गैरेज में ही काम कर रहे हैं, और 2012 में उन्होंने अपने मारुति 800 को बदल दिया ऐसी कार में जो पानी से चलती है। एक तो सबसे पहला ये फायदा है कि ये प्योर इंडियन है ये फ्यूल। दूसरा अहम बात, प्रदूषण के लिए, वायुमंडल के लिए बहुत फायदेमंद है। अपने एक्सपेरिमेंट में रईस जी ने कैल्शियम कार्बाइड और पानी से बनी एसिटिलीन गैस की पावर को पहचाना और जुड़ गए अपने हिसाब से इस नए इंजन को बनाने में। मैं गैस वेल्डिंग भी करता हूं, तो गैस वेल्डिंग में जो कार्बाइड इस्तेमाल की जाती है, उस कार्बाइड को मैंने देखा कि जब मैं टंकी में डालता हूं, फिर उससे नाजिल से आग लगा करके उससे वेल्डिंग करता हूं, तो मेरे दिमाग में ये भाई बात की, देखिए पिस्टन, और पिस्टन के लिए तो करंट और आग चाहिए, तो मैंने उस कार्बाइड का पानी और कार्बाइड का जो निकली हुई पाइप है उसको इंजन में लगा करके जब मैंने उसको स्टार्ट करने की कोशिश की तो स्टार्ट तो हुई गाड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस फ्यूल से गाड़ी स्टार्ट होगी। उसके लिए फिर मैं जुट गया कि नहीं, मैं इसको, मुझे इसको स्टार्ट करना है।
जिस तरीके से इंजन एक पेट्रोल ज्वलनशील होता है उससे इंजन चलता है, डीजल ज्वलनशील होता है, एलपीजी ज्वलनशील, उसी पे आधारित ये भी होता है। तो इसमें कुछ मामला इसमें ऐसे आते हैं इसका कार्बाइड का फ्यूल बनाने में जिसमें बहुत ही स्ट्रांग होता है ये, लेकिन उसका जो पावर होता है उसको पावर खत्म करने के लिए कुछ केमिकल मिला करके इसको उतना ही स्लो कर दिया जितना पेट्रोल और एलपीजी होता है। एसिटिलीन गैस कार में एलपीजी और सीएनजी को रिप्लेस कर सकती है, पर यह एक हाईली फ्लेमेबल गैस है, लेकिन बिना किसी बड़े टेक्निकल और मैकेनिकल सपोर्ट के इस गैस को कंट्रोल वे में एक फ्यूल की तरह यूज करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। असल में यह एसिटिलीन गैस बनाने के लिए फ्यूल टैंक को पानी और कैल्शियम कार्बाइड से भरा जाता है, तब पानी और कैल्शियम कार्बाइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और उनमें केमिकल रिएक्शन होके वहां पे इथाइन मतलब एसिटिलीन गैस बनती है। यह एसिटिलीन गैस अत्यधिक विस्फोटक और घनशील गैस है, इस गैस को अत्यंत सावधानी के साथ संभालना पड़ता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग आमतौर पर वेल्डिंग उद्योगों में और प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। इस कार में 796 सीसी का इंजन है, यह इतनी पावर वाली दूसरी कार के बराबर ही पावरफुल है। इस कार की मैक्सिमम स्पीड है 50-60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जहां पेट्रोल करीब 6 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है इसमें खर्चा होता है आधा। 25 लीटर पानी और 4 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड में यह कार 60 किलोमीटर तक चल सकती है और इस कार को बनाने के लिए वो अब तक खर्चा कर चुके हैं 7 लाख रुपए। यह ईंधन लगभग 10 रुपए से 20 रुपए प्रति लीटर आता है, जबकि पेट्रोल हमारे पास 80 रुपए प्रति लीटर आता है। इस प्रकार यह ईंधन वाहनों के लिए सबसे सस्ता ईंधन बन जाता है। इस टेक्नोलॉजी में वायु गुणवत्ता के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में यात्रा के खर्चों में कटौती करने की क्षमता है। इस इन्वेंशन के लिए उन्हें दुबई और चाइना के कंपनियों ने भी कॉन्टेक्ट किया। रईस जी चाइना की सफर भी कराए, पर मेक इन इंडिया से रईस जी इतना इंस्पायर हो गए कि उन्होंने सारी ऑफर को रिजेक्ट कर दी। खैर, रईस जी का इनोवेटिव माइंड यही नहीं रुका। रईस जी अपने इस कार को मोबाइल से भी ऑपरेट करते हैं। उन्होंने कार में एक ऐसा मोटर लगाया है जिससे वह मोबाइल नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी से ही कार को चलाते हैं। मोबाइल से ही वो कार को चालू बंद आगे पीछे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी तरह से ड्राइवरलेस कार बनाने में जहाँ पे बाकी साइंटिस्ट करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, वहाँ पे हमारे गाँव के रईस जी ने यह काम कुछ 1000 रुपए में करके दिखाया है। पानी से चलने वाली ऐसी कार जो दूसरे कार से आधे से भी कम खर्च में चलती है, 60 की स्पीड से भागती है, रईस जी का एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कम करने का काम वाकई में ही काबिल तारीफ है। और एक अच्छी बात यह भी है कि उन्होंने इस पानी और कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण से चलने वाली कार को पेटेंट भी करवाया है, और कार कंपनियां शायद ही इस वाटर कार में दिलचस्पी दिखाएंगी, क्योंकि वे इस टेक्नोलॉजी और इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। रईस मकरानी जी की एसिटिलीन पावर कार संभवतः कभी भी पेट्रोल या डीजल कारों की जगह नहीं ले सकती। तकनीक नई नहीं है, इसका मूल्यांकन किया गया है और ज्यादातर व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनसुटेबल पाया गया है। एसिटिलीन का उपयोग कुछ प्रकार के इंजनों पर उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन सच्ची में हमें श्री मकरानी जी जैसे इनोवेटर्स की आवश्यकता है जो हमारे पृथ्वी को बेहतर स्थान बनाने के लिए ऐसी तकनीकों का समर्थन करते हैं। यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल, किफायती और सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। इस प्रकार यह टिकाऊ और एक अमेजिंग फैक्ट भी है। थैंक्स अ लॉट।